सऊदी अरब पाकिस्तान में पहले मरहले में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। पैकेज के पहले फेज को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के अजम का इरादा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलानिया जारी। कारोबार और सरकारी में तआवुन बढ़ाने के अजम का इजहार किया गया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान का दौरा करने की वजीर आजम की दावत कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल तशवीशनाक समेत बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने और इंसानी जानी नुकसान को कम करने के लिए बैन अक्वामी कोशिशों पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वफद के हमराह पाकिस्तान रवाना हो गए। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के सेनेटर्स की दरख्वास्त पर एतराजात दूर कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया। सेनेट इंतखाबात के बायकॉट का फैसला अभी नहीं हुआ। सेनेट में इंतखाबात हो ही नहीं सकते क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इलेक्शन कमीशन से कहा है कि बहुत हो गया, मजीद ज्यादती ना की जाए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक माह से जायद हो गया, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के इंतखाबात को गलत मुलतवी किया गया।